नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद कर्नाटक से होता हुआ अब यूपी पहुंच गया है। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर जंग जारी है, जिसके बाद अब शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक ये विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र से उठा लाउड स्पीकर विवाद अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के अजान के मुकाबले हनुमान चालीसा बजाने के बयान के बाद से सियासत और तेज होती नजर आ रही है। अब ये मुद्दा देश के बाकी राज्यों के साथ साथ यूपी में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूपी के कुछ शहरों में लाउड स्पीकर पर संग्राम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जहां एक ओर अलीगढ़ में हिंदू संगठन ने शहर के प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ सुनाने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी में एक शख्स ने अपने घर पर लाउड स्पीकर टांग कर उस पे हनुमान चालीसा का पाठ बजाना शुरू कर दिया। तो ये काशी है, काशी में तो वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। यहाँ हमारी नींद अजान से खुले, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर उधर अजान होती है तो यहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। जो पहले हनुमान चालीसा जो मंदिरों में बंद हो गई थी, उसको फिर से चालू किया जाए। और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं, जिन मंदिरों पर अब लाउड स्पीकर लगेंगे। एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने ACM फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तों 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हमने उनसे मात्रा कम करने की मांग करी थी, अभी तक कोई मात्रा कम नहीं हुई। उसके एवज में आज हमने यहाँ पर लाउड स्पीकर ला के हनुमान चालीसा का पाठ कराया। हालांकि अलीगढ़ में प्रशासन की तरफ से हिंदूवादी संगठन को लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी चौराहों पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उधर इस मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। बहरहाल लाउड स्पीकर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से उठा ये विवाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार समेत कई राज्यों में तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब इस मामले पर सियासत थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमारे देश में कई मुद्दे उठते हैं, लेकिन अब ये लाउड स्पीकर का जो मुद्दा उठा है, इस पे भी सियासत शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि ये सियासत थमती है या फिर कोई निष्कर्ष निकलता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।